हजारीबाग में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। इचाक प्रखंड में कीर्तन के नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता है, फिर उन्हें प्रलोभन देकर गांव के सीधे साधे ग्रामीणों को टारगेट किया जाता है। दरिया गांव में करीब 25 की संख्या में महिलाओं को बंद कमरे में भजन कीर्तन के लिए बुलाया गया था। ग्रामीणों को भनक लगी तो लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान महिलाओं और ग्रामीण के बीच नोकझोंक भी हुई। इससे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पैसे और समस्याओं को दूर करने का प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्म परिवर्तन का वृहद पैमाने पर खेला कर रहा है, लोगों को लुभाकर और लोगों को तरह तरह का लालच देकर प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को पता चला कि दरिया ग्राम में भी ऐसा कार्य हो रहा है। हम लोग कल जब वहां पहुंचे तो देखे कि सत्संग के नाम पर लोगों को झूठा बहकावा दिया जा रहा है। जब वहां गए तो 10-15 के बीच महिलाएं थी वहां, और हम लोगों ने उनको जब समझाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है, ये सत्संग है, ये हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को यहाँ बुलाया जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ परिवर्तन के बारे में कुछ अपने क्रिश्चियन के बारे में उन लोगों को बताया जा रहा था, तो हम सभी ने वहाँ पर जा करके और उन लोगों को वहाँ से हटाने का काम किया और रोक लगाए है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे संवाददाता फलक जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। फलक, कीर्तन के नाम पर धर्मांतरण का खेल, ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, आपको बता दें कि ये जो धर्मांतरण का खेल हजारीबाग जिले में चल रहा है ये कोई नया नहीं है, आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के एक दरिया गांव है जहां पर 25 की संख्या में महिलाएं बंद कमरे में भजन कीर्तन करते दिखाई। जब इसकी भनक आसपास के ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण उस मोहल्ले में पहुंच कर इसमें लगाम लगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पैसे का प्रलोभन दे करके और साथ ही बीमारियों को ठीक करने की बात कह करके पहले जो है वो ग्रामीणों को इकट्ठा किया जाता है और एक निर्धारित समय जो है निकाल करके बंद कमरे में जो है वो भजन कीर्तन जो है वो कहने के नाम पर लोगों को एकजुट करते हुए वहां पर बुलाया जाता है और जिसके बाद धीरे धीरे जो है यहां पर धर्मांतरण से संबंधित जो है वो बातें सामने निकलकर सामने आती है। जब ऐसी बातें जो है ग्रामीण महिलाओं ने सुनी और समझी तो उसका विरोध जो है वो करती हुई दिखी। वहीं इसके बाद जो आपको बता दें कि जब इस तरीके के मामलात हो गए, जब इसका विरोध करते हुए ग्रामीण दिखी तो उसके बाद जो वहां पर धर्मांतरण के लोग पहुंचे थे वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि फिलहाल जो है वो लोग जो पहुंचे थे धर्मांतरण वाले मामले को लेकर के वो यहां से निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो है इस पर पूर्ण रूपेण जो है वो कब तक लगाम लग पाता है। जी फलक, ये कौन लोग है जिन जो धर्मांतरण करा रहे हैं और महिलाएं जो है वो खुद से ये धर्मांतरण में शामिल हो रही है करने में या उन्हें किसी तरह का जोर दबाव दिया जा रहा है? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप जो है वो लगातार कुछ कुछ दिनों में हजारीबाग जिले के अलग अलग प्रखंडों में देखने को मिलते हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो धर्मांतरण वाला जो ऐसा सीन होता है इसमें कहीं ना कहीं कहीं पैसे की लालच तो कहीं पर कुछ जटिल बीमारी है उसे ठीक करने का वादा करके पहले एक समूह तैयार किया जाता है और फिर किसी बंद कमरे में जो है वो भजन कीर्तन के नाम पर जो है लोगों को बुलाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से कीर्तन भजन करते हुए आपके जो है वो दुख पीड़ा दूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो ऐसे ऑफर्स दे करके बुलाए जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ धीरे धीरे ये खेल होता नजर आता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फलक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।